A very good morning, dear children. Welcome to English grammar class. Okay, so let me tell you, today is Friday and today's date is 3rd July 2020. Okay, and this month is June. J-U-N-E, June, and day is Friday. F-R-I-D-A-Y, Friday. So, dear children, please take your book to page number 23. Okay, so today we are going to learn chapter 7. Understand? So, dear children, आज हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं ही ग्रुप एंड शी ग्रुप वर्ड्स. ओके, सबसे पहले बोल दूं कि जो भी ही, देखो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि ही जो है वो बॉय के नाम के बदले में लगता है. ठीक है, मतलब बॉय कोई भी हो सकता है, वो छोटा सा बेबी बॉय से लेकर बड़ा बॉय से लेकर फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, ये सारे के सारे इनके नाम के बदले में ये ही लगती है. ओके, तो ही ग्रुप वर्ड्स मतलब पुरुष जाति में आते हैं. ओके, सारे के सारा वो पुरुष जाति में आते हैं. एंड मतलब और शी ग्रुप वर्ड्स मतलब स्त्री जाति आती है इसमें. शी मतलब कोई भी गर्ल के नाम के बदले में सी लगाते हैं हम लोग. कोई भी छोटा सा बेबी गर्ल के नाम के बदले में भी हम लोग सी लगा के बोलते हैं उसको. अंडरस्टैंड, मदर के नाम के बदले में भी हम लोग शी लगा के बोल सकते हैं. आपके मैडम के नाम के बदले में भी हम लोग शी लगा के बोलते हैं. एंड ग्रैंड मदर, नाना, नानी और दादी के नाम के बदले में भी हम लोग सी लगा के बोलते हैं. तो शी ग्रुप वर्ड्स स्त्री जातियों के लिए यूज होती है. ठीक है, स्त्री जातियों में आती है शी ग्रुप वर्ड्स. तो और भी एक है, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, जो ही ग्रुप वर्ड्स है उसको हम लोग बोलेंगे मस्कुलिन जेंडर भी हम लोग कहते हैं. ओके, यानी पुलिंग. एंड दूसरी होते हैं जो सी ग्रुप वर्ड्स, उसको हम लोग बोलेंगे फेमिनिन जेंडर. ओके, इसको हम लोग बोलेंगे स्त्रीलिंग. पुलिंग और स्त्रीलिंग मतलब पुरुष जाति और स्त्री जाति. ही ग्रुप वर्ड्स मतलब पुरुष जाति एंड सी ग्रुप वर्ड्स मतलब स्त्री जाति. अंडरस्टैंड? चलो बच्चा, यहाँ पे हमें बता दूँ, ये अनन्या है और ये एक पिक्चर है. ओके, ये फोटो एल्बम है और ये अनन्या का बर्थडे का एल्बम है. ओके, तो अनन्या इस फोटो को दिखा के आपको कुछ बता रही है. चलो लेट्स रीड दिस. द जेंटलमैन इन द पिक्चर इज माई फादर. ये पिक्चर में आप जो सज्जन व्यक्ति देख रहे हो ये मेरा फादर है, बता रही है अनन्या. ओके, द लेडी इन द पिक्चर इज माई मदर. और जो ये लेडी दिख रहे हो आप लोग, यह इनकी मदर है, अनन्या की मदर है. ओके, लुक एट द बॉय. और आप लोग ये बॉय को देखो, ये लड़के को देखो, लड़का को देखो, ये कौन है? ही इज राहुल. यह राहुल है और माई ब्रदर. यह राहुल है और ये राहुल अनन्या के भैया है. ओके, उनका ब्रदर है. एंड द गर्ल इज मी. और ये फोटो में देखो, एल्बम में देखो आप लोग, ये जो छोटी सी गर्ल है अनन्या बता रही है, यह मैं हूँ. आई एम राहुल्स सिस्टर. और मैं राहुल की बहन हूँ. अंडरस्टैंड? तो बच्चों आओ यहाँ पे, द वर्ड्स जैसे जेंटलमैन, फादर, बॉय एंड ब्रदर बिलोंग टू ही ग्रुप वर्ड्स. देख रहे हो ना आप लोग, जो ये जेंटलमैन, मैन नहीं आते हैं, लड़कों के लिए यूज होते मैन.
जेंटलमैन एक सज्जन आदमी, फादर पिता हो गया, बॉय लड़का हो गया, ब्रदर भाई हो गया, भाई या भैया कोई भी हो गया। तो ये जो भी बॉयज सारे के सारे हम लोग बॉयज के लिए यूज़ करते हैं वर्ड्स, तो ये वर्ड्स आती है ही ग्रुप वर्ड्स में, अंडरस्टैंड, यानी पुरुष जाति में आते हैं, अंडरस्टैंड। नंबर टू आइए, द वर्ड्स लेडी, मदर, गर्ल एंड सिस्टर बिलोंग टू सी ग्रुप वर्ड्स। और यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे लेडी, मदर, गर्ल, सिस्टर, ये जो वर्ड्स हैं वो कौन सा ग्रुप में बिलोंग करते हैं? सी ग्रुप में। यस, सी ग्रुप मतलब स्त्री जाति में, ओके, लड़कियों के ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ये जो भी वर्ड्स हैं हम लोग लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं, राइट? ओके, वेरी गुड। आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग लड़का, लड़की, मम्मी, पापा, ओके, एंड सर, मैडम, ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। सो प्लीज़, बस इतना ही है आप लोगों को। अब पेज नंबर 24 में हम लोग आएंगे। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, लेट्स डू दिस, ओके। एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज ए में व्हाट इज गिवन हियर इज सर्कल द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको देखो यहाँ पे नंबर वन में 1, 2, 3, 4 वर्ड्स दिए, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, वर्ड्स को पढ़ना है, उसको समझना है, और आपको जो ऑड मतलब जो ये चारों में से कोई भी एकदम अलग लगता हो, ओके, उसको हमको सर्कल करना है, अंडरस्टैंड। नंबर फर्स्ट, इट इज़ डन ऑलरेडी। तो देखो नंबर वन में क्या है, सिस्टर, ब्रदर, मदर, आंट। तो यहाँ पे देखो, सिस्टर भी गर्ल सी ग्रुप वर्ड्स में आते, मदर भी सी में आते, आंट भी सी में आते, पर ब्रदर ही ग्रुप में आते हैं। तो ब्रदर इज ऑड वन, ओके। तो हमने इस पे ऑलरेडी सर्कल हो चुकी है। नंबर टू में आई इस तरह से, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, हस्बैंड एंड बॉय। ग्रैंडसन भी पोता, हस्बैंड मीन्स किसी, मतलब हस्बैंड मीन्स पति होते, ओके, एंड बॉय मीन्स लड़का। तो ये सारा का सारा ही ग्रुप वर्ड्स वाले, ही ग्रुप वर्ड्स में आ रही है। पर ग्रैंड डॉटर, डॉटर मीन्स होता है बेटी, और ग्रैंड डॉटर मीन्स होता है पोती, इसलिए ग्रैंड डॉटर इज अ ऑड वन, दिस वर्ड इज ऑड वन, सो हमने यहाँ पे सर्कल किया। इसी तरह से देखो आप लोग, फादर, हीरो, किंग एंड क्वीन, ओके। तो आप लोग इसमें बताओ कौन सा ऑड वन है? यस, क्वीन। अब लाइक दिस आप लोग किसको करेंगे, ओके। नंबर फोर में ग्रैंड मदर, डॉटर, सन, लेडी, दादी या नानी, बेटी, ये बेटा, लेडी मतलब औरत, ओके, एक लेडी जो थोड़ा बड़ी लड़की को लेडी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो कौन सा आपको और लग रहा है, ऑफ कोर्स सन, क्योंकि ये सारा सारा लड़कियों में आती है, सी ग्रुप वर्ड्स में आती है, अंडरस्टैंड। लाइक दिस, मैन, एम्प्रेस, सर, एम्परर। तो यहाँ पे आपको कौन सा अलग लग रहा है बताइए? मैन इज, ये भी ही ग्रुप वाले है, आदमी, सर भी लड़के में आते, एम्परर मतलब सम्राट, महाराजा। तो ये सारे सारे थ्री वर्ड्स तो आपका ही ग्रुप वर्ड्स में आ रहे हैं, पर इम्प्रेस इज द ऑड वन, बिकॉज इम्प्रेस मीन्स लड़कियों में आते, इम्प्रेस मीन्स महारानी, अंडरस्टैंड। नंबर सिक्स, नीस, अंकल, नेफ्यू एंड फादर। तो आपको कौन सा अलग लग रहा है? अंकल भी लड़का है, फादर भी लड़का है, नेफ्यू मीन्स भांजा या भतीजा, पर नीस मतलब होता है भांजी या भतीजी, तो नीस हमारे यहाँ पे ऑड हो रहा है, तो हमने इस पर सर्कल किया, ओके। देखो बच्चा, इट इज़ वेरी इजी, आपको सिर्फ ये मैच द टू कॉलम्स, ये ही ग्रुप वाले वर्ड्स
आपको सी ग्रुप्स वाले जो मैच हो रही है उसको मैच करनी है, ओके। जैसे लायन का लायनेस, शेर शेरनी, टाइगर ओके, टाइगर का टाइग्रेस, ओके, टाइगर का टाइग्रेस, पिकॉक का पीहन, पिकॉक मीन्स मोर, पीहन मीन्स मोरनी, रोस्टर, रोस्टर का हैन, मुर्गा और मुर्गी, बुल का काउ, हॉर्स का मेयर, ओके, लाइक दिस एक्सरसाइज सी इज ऑल्सो हियर। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक पेयर्स, आपको पेयर बनाना है, ओके, जोड़ी बनाना है, वन हैज बीन डन फॉर। गैंडर का गूज, ओके, ये होता है हंस। लड़का बत्तख, लड़की बत्तख, ओके। सर का मैडम होगा, हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस मतलब लड़की प्रिंसिपल, ओके। यहाँ पे होगा आपका हेड मास्टर। हियर कम्स हस्बैंड एंड वाइफ, फॉक्स एंड विक्सन, प्रिंस का होगा आपका प्रिंसेस, ओके। एंड दिस वन वी विल डू इट टुमारो, ओके। नाउ दिस मच फॉर टुडे, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।